गुल्लू मच्छरदानी फाड़ रहे हैं। लव बेच कमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। शादी की रबड़ी बना रही सुबह सुबह नाश्ता में। पास्ता बन गया हमारे यहाँ, सब पूरा रखी सब्जी डालेगी पास्ता में। ताजी पास्ता बना रही है, फिर बनाएंगे आलू गोभी और मटर का सब्जी, धनिया पत्ता का चटनी। ज्यादा जल्दी जल्दी हमारे घर पे है अभी सब कुछ। नाश्ता तो बने हुई फिलहाल, दोस्तों भी दीदी चाय बना रही है, पास्ता इसके बाद बनेगा हमारे यहाँ। नाश्ते अपने इधर लगी हुई पास्ता का तैयारी कर रही है, देख रहे हैं नीचे अपने भिड़ी हुई है। चाय भी तब तक चढ़ा हुआ है, चाय हो जाएगा तो फिर अपना अपना सब सब्जी उब्जी बनेगा। फिर खाना भी नहीं बना है, खाना बनेगा। अभी 10 बज चुके हैं दोस्तों, 10:30। अभी हमारे घर में चाय ही बन रहा है, इतना लेट से रदरी बनाती रही। पूरे घर का काम करना पड़ता सुबह सुबह, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया। कपड़ा उपड़ा सब था तो धोना वोना पड़ा, सब धोना के फ्रेश होकर रदरी नहा धो के आ गई। अब बना रही है अपना, तो भी फिलहाल बनेगा, अब खाएंगे, देखते रहिए। हाँ बहुत गर्म है, चाय नहीं हुआ अभी तक। पास्ता का तैयारी हो रहा है दोस्तों, प्याज व्याज हो गया है। दीदी कैसे पास्ता बनाती है देखते रहिए। बहुत सर्दी है लेकिन ठंडा बढ़ गया बहुत इधर, चाय नहीं हुआ अभी तक। दीदी का पानी दीजिए ना, सब्जी काटे थे अब वो सब्जी देने देंगे इसमें, कि वो भी साथ में भुन जाएगा। पास्ता हो गया, मटर है, बंधा गोभी है, प्याज है, फूल गोभी है, सब है, देखे बना रहे हैं। अभी डल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहे। बने रहिए, देखते रहिए पास्ता कैसे बनाते हैं। देखिए हम नमक दे रहे हैं अभी सिर्फ गलने के लिए, और पास्ता में हो रहे हैं हम नमक दे चुके थे, अभी ये गलेगा पूरा, उसके बाद गल के थोड़ा सा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। तभी ये लगभग बहुत अभी भून जाएगा, तो भूनने देते हैं। ये टमाटर कट के रखे हैं, इसको भी डालेंगे भुजाना, नहीं तो ज़्यादा देंगे ना एक पूरा मतलब चूर हो जाएगा इसलिए। तो मेरा चाय भी हो गया है, एक केला करना पड़ता है ना, तो सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। गुल्लू जी का हो रहा है, बाबू गुल्लू जी थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, इसलिए हम बूंदी भी लिए हुए हैं। उनको चाहिए कि पापा साथ में रहे, बब्बा साथ में रहे। बेटा क्यों खोजता रहे तू, देख रहा है फिर पहचान पा रहे हैं बेटा, सामने आ गया आपके ज्यादा ना। ओ अभिनंदनी का चाय हो चुका है, वो निकाल रही है नाश्ता, मतलब बिस्कुट निकाल रही, बिस्कुट मिक्सचर, अभी फिर पास्ता भी मिलेगा नाश्ता में। ना बेटा तू भी खाएगा बेटा बोलो, और आप लोग भी खाएंगे दोस्तों, तो आप लोग भी बने रहे ब्लॉग पे, पास्ता खाइए साथ और गुल्लू के साथ खाइए। गुल्लू जी को मेरा बेटा जी है ना, बेटा जी बोल दो हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, वेरी फाइन बोलो। बोलता शर्मा गया अभी बच्चा मेरा। अभी नंदनी को देखिए क्या कर रही है। अब देखिए लगभग भुंजा चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी ना देंगे हम, ज्यादा नहीं, थोड़ा हल्का हो जाए पीलापन में, बाकी तो मैगी पास्ता मसाला देंगे हम, बस हो गया। ये भुंजा बस, ये भी भुंजा ही गया, ज्यादा इसमें कुछ देना नहीं, क्यों वो पूरा गल गया है, पूरा गल गया है ये, देख सकते गल के कितना थोड़ा। तो अब हम इसको इसमें टमाटर दे देंगे, अब ये भी 5 मिनट ज्यादा नहीं, 5 मिनट भूंजेंगे तभी चलिए। तब तक चाय निकाल लेते हैं हम, देखिए फ्रेंड तो टमाटर भी हो गया लगभग, भूंज के कर दिए हैं, तो फिर ज्यादा गल जाएगा। इसको हम पास्ता मसाला ना दिए पूरा 1 पैकेट, और इसमें कुछ नहीं देना है, जितना सादा उतना अच्छा लगता है, सिंपल। बस इसको तो भूंजना है नहीं, तो अब हम पास्ता डाल देंगे इसमें, तो ये करना है।
ये तो जानते हैं कि ये हो जाता है पूरा ठंडा होने के बाद, तो वही तरह से हो गया। इसको भी पूरा अच्छा से भून लेंगे इसके साथ में, ये काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं नंदिनी का पास्ता, वो तो हम बता नहीं सकते हैं। तो हमको तो बहुत पसंद आ रहा है मेरा पास्ता। तो अभी होने देते हैं। देखिए फ्रेंड, तो हम जा रहे हैं नाश्ता देने, नाश्ता मतलब चाय अभी वो बन रहा है। तो बिट्टू सीम मान लीजिए, तो चाय पी लीजिए खा। तो हम बिट्टू सीमा को दिए हैं, तो तक मेरा पास्ता हो जाएगा। अरे बूढ़ी धोए अभी तक वो धो लीजिए, सब रास्ता भी बन गया। हम लोग गाय खाएंगे अभी, हम लोग टाइम है, अब चाय जल्दी पीते नहीं है। चलिए हो गया पास्ता, पास्ता भी हो गया, चाय पी लीजिए, बस हो गया रंधनी का। तो देखिए दोस्तों, रंधनी का पास्ता भी तैयार हो गया ना रंधनी? हाँ, पास्ता भी मेरा तैयार हो गया लगभग। तो मेरा काम खत्म, नाश्ता चाय भी हम जा रहे चाय पी लेते, उसके बाद भात दाल बाबू को भी नाश्ता करा देते हैं। थोड़ा बहुत जल्दी है, मतलब बिजी बहुत रह जाते हैं ना, अकेला कितना करेंगे, अकेला और साथ में वो भी बहुत हेल्थ के, तब खाना बनाएंगे, इधर भात दाल सब्जी चढ़ा देंगे। नाश्ता होने के बाद बस तो फिर काम फिनिश हो जाएगा। इधर चाय पानी पी रहे हैं, उन लोग को भी दे दिया, उन लोग भी चाय अपना पी रहे हैं। तब लोग चलते हैं पी ऊ के, फिर दादी खाना वाना बनाएगी, फिर नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। बहुत भूख लगी है, 11 बजे जा रहे दोस्तों। गुल्लू को भी भूख लगा, तो गुल्लू भी अपना पी रहा है। तो चलते हैं दोस्तों चाय पीने के लिए, आप भी चाय पीजिए, चलते हैं। तो देखिए पास्ता बन चुका है रंधनी का, ये देखिए रंधनी पास्ता खा रही, सबसे पहले खा रहे हमने मेरी को देखिए कितना बड़ा थाली में दी है, और हम लोग मेहमान भी खा रहे हैं। तो देखिए ये लोग भी खाते हुए, ये रंधनी क्या टमाटर सॉस नहीं डाली, ये अभी सब सॉस नहीं डाली है इसमें भी थोड़ा, अभी सॉस लाएगी रंधनी। देखो सॉस को छुपा कर रखे रहती है, मेरा भी थोड़ा सा दे रहा ना, थोड़ा सा कहीं बीच में दे रहा, ज्यादा नहीं मीठा अच्छा लग रहा है। बस। तो देखिए हो गया सॉस, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पास्ता खा रहे हैं। देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है, खाने में भी मस्त लगेगा दोस्तों। तो आप लोग भी हमारे आपको साथ, तो स्वाद ही नहीं पता है। हाँ, मेरे को सर्दियों के इसलिए स्वाद नहीं पता चलता है, देखने में तो मस्त लग रहा है। और नदरी को तो देखिए शुरू हो गई दबाने के लिए स्टार्ट, तो नदरी खा रही है, चलिए हम लोग भी खाते हैं। फ्रेंड हम नाश्ता वास्ता तो हो गया मेरा फाइनली, अब हम जा रहे हैं खाना चढ़ाए, देखिए इधर भात चढ़ाए हैं, देख सकते हैं तीनों में तीन चीज बैठा दिए हैं, एक में दाल, एक में अभी सब्जी मतलब फ्राई करेंगे गोभी, और अभी इन दोनों अभी इधर एक करके फिर बर्तन वर्तन धोने जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, बस तुरंत हो जाएगा काम। तो ब्लॉग पे बने रहे फ्रेंड, तब तक देखते हैं कब होता है मेरा काम। और ये पानी सिंघाड़ा देख सकते है, खाने में लगता है टेस्टी बने, मतलब क्या बदला है अब देखना होगा, बाद में खाएंगे, अभी नहीं ठंडा हो जाएगा उसके बाद। तो चले हम अपना काम कर लेते हैं, और धनिया पत्ता टमाटर का चटनी हम पीस लिए, बहुत टेस्टी आने वाला, अमी लगेगा खाने में, हमको बहुत मजा आता है दाल भात चटनी खाने में। तो देख सकते हैं मेरा फ्राई नहीं हुआ, नहीं हुआ गरम, अरे हम सोचे हाँ हो गया। तो मेरा वो फ्राई है, दीदी फ्राई कर रही है गोभी, फ्राई कर रही है गोभी, पानी का लग रहा है पुराना होगा, और इसमें पानी नहीं छूट रहा है, इसमें नहीं पता भी नहीं धक्का लगा। तो देखिए दीदी अभी पानी पसा रही है, उसमें पानी था ना इसलिए उड़ने लगा तेल। तो बस तुरंत हम बना लेंगे खाना, और फिर अपना घर का काम गुल्लू को भी देखना है, बहुत गर्म है।
गुल्लू बहुत मस्ती करता है, अभी सोया हुआ था, उठा है, बर्फी भी अभी खेल रहे है, अपने से अपने बात कर रहे है, चुनी उनकी फ्राई हो रही है, फ्राई करके निकाल रही है, फिर आलू फ्राई करेंगे, फिर मटर को भी सब देके निकाल रहे है। ब्लॉग पे बने रहिए तब तक चलते। तो फ्रेंड अभी तक मेरा भी आलू फ्राई कर रहे हैं और ये फ्राई कर रहे, उसके बाद मटर फ्राई करना है, और दो तीन सीटी मारने देंगे फिर दाल हो जाएगा, दाल को भी फिर छोकर लगा देंगे, फिर ये तो फ्राई होके निकल गया है, वगैरह बहुत अच्छा बनेगा सब्जी। उसके बाद ये सब करके और सीमा बर्तन धो रही है थोड़ा, सीमा अभी तो मेरा आलू उलू फ्राई हो रहा, नया आलू और गोभी का सब्जी। और गुल्लू देखे मच्छरदानी फाड़ रहा, गुल्लू मच्छरदानी फाड़ रहा, गुल्लू पूरा मच्छरदानी फाड़ रहा और सीमा बर्तन धो दे रही है, मिलजुल के कर रहे हैं, बहुत काम हो जा रहा है, हेल्प कर दे दीदी, बहुत काम करती है इसलिए। सीमा मतलब जब चाहे बर्तन है सिर्फ धो रही है, तीन सुबह में भी बर्तन सीमा चल गए थे मार्केट अपने धो के रख दी, क्या हुआ कर देते दादा, फिर शाम को भी बर्तन सीमा धोई, अभी का भी बर्तन सीमा धोई, मतलब हम बर्तन नहीं धो पा रहे, सीमा धो रही है तो बहुत मेरा हेल्प हो रहा। तो चलिए हम बाबू का चड्डी उड्डी थोड़ा सुखा देते हैं, इतना सारा हो जाता है ना, फिर भी अभी समझ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हम लोग करेंगे तो फिर जाएंगे थोड़ा घूमने उमने, ताकि बता ही नहीं सकते। चलिए मैं कपड़ा भी सूखेगा तब तक हम चलते हैं अपना देखने के लिए कि मेरा प्याज जल रहा है, फिर मिक्सी में मसाला पीसना भी है, तो फ्रेंड बहुत काम हो जाता है देख सकते हैं। थोड़ा सा बच गया फ्रेंड ने तो, अभी तो मेरा सब्जी जल रहा था, अभी नमक डालेंगे, अपने हिसाब से अभी गलेगा ना फ्रेंड, देख सकते हैं सब्जी भी भून जा गया, सब कुछ कर लिए हैं, ये काट के रखे धनिया पत्ता, बाबू क्या कर रहा पता नहीं, इतना मतलब काम में बिजी हो जा रहा ना कि बाबू को भी नहीं दिख पा रहे। बाबू देख सकते गुल्लू को भूख लग गया ना, गुल्लू को भूख लग गया ना, अभी नहानो करेगा ना गुल्लू, अभी नहाएगा ना बेटा, हाँ भूख लग गया, भूख लग गया ना, बता दो तो क्या खेलू खेलू कर लिए ना, चुमा दे दो तो, चुमा दे दो ना गुल्लू, चुमा दे दिए ना गुल्लू, हाँ चुमा दे दिए ना। तो चलो हम चलते हैं फ्रेंड, गुल्लू का तो मस्ती हो ही रहा है, तो गुल्लू पता नहीं अभी क्या किया है, क्या किया है तुम गधा, तो उसको भी हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड ब्लॉग पे बने रहिए, चलिए हम लोग अब जल्दी जल्दी काम करते हैं। फ्रेंड मेरा खाना बन चुका है, तो देख सकते हैं किचन में बन गया है, देखिए दाल बन गया है, सब्जी तैयार है, ये चटनी है और ये यहाँ पे चावल है, तो सब खाना मेरा बन गया है, तो हम सबको एक जगह रख देंगे यहाँ पे। फ्रेंड देखिए गुल्लू तैयारी हो गया है, तैयारी हो गई, गुल्लू तैयारी हो गई, बात कर ले तो बात कर ले, तो गुल्लू को हम तैयारी कर दिए हैं, आज को इतना बड़ा टीका लगा दिए, देखिए 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 देखिए, अच्छा लग रहा, पूछे तो कैसा लग रहा, देखिए गुल्लू बदमाशी कर रहा था। फ्रेंड अभी हम भी नहीं हुए तैयारी, हम भी तैयारी होंगे, खाना वाना खा हुआ लेंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे तो तैयारी रहेंगे, तो अगला ब्लॉग में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए तब तक फ्रेंड, चलिए अब चलते हैं, पूछते हैं खाना वाना खाना है कि नहीं, खाना वाना खाना है कि नहीं, नहा हुआ के देखते हैं, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो मेरा पेट तो पूरा भरा है, मन नहीं कर रहा खाने का, तो प्लीज अब चलते हैं हम अपने, मेरा वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरा भी वीडियो को टू सीमा ब्लॉग।